दोषी फड़े गए बल्कि दोषियों को बचाया गया, क्योंकि अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस तिने पार्टियां मिलकर खेड़ दिया ने, मिलकर लोगों ने शोषण कर दिया ने गिया। सो उस नीति के तहत डाकू सिद्ध होया गया। इन्हें पंजाब की विधानसभा के अंदर और पंजाब के मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह ने पंजाब की विधानसभा के अंदर उस पवित्र सदन के जिथे सारे पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे पहुँचते हैं उत्थे मेरे सवाल का जवाब देंदे हुए साढ़े होर विधायकों का जो है सवाल का जवाब देंदे हुए कहा कि जो 1200 करोड़ रुपये का वजीफे का घोटाला अकाली दल बीजेपी वाले ने किया गा, असं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करा, दोषियों फड़ के जेल च डकेंगे और ऑडिट करा। ना ऑडिट होया, ना दोषी जेल च गए, कुछ नहीं होया है। और 4 साल ला के 4 सालों उस वजीफा घोटाला जो अकाली दल बीजेपी ने किया, कोई दोषी नहीं फड़िया गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि हुण की हो गया, हुण एक नवा 64 करोड़ रुपए का होर कपड़ा सामने आ गया। यह साडे वल्लों नहीं कढ़िया गया, यह किने कढ़िया पंजाब के अडिशनल चीफ सैकटरी, वो पंजाब सरकार का अधिकारी आ, अडिशनल चीफ सैकटरी आ। और दूजा दे नाल कौन सीगा, धालीवाल बलविंदर सिंह धालीवाल जिहड़ा MLA इन्होंने बाय इलैक्शन चोण दे विच फगवाड़े तो बनाया गया, वह भी डायरैक्टर से इस महकमे का। यह दोनों ने जिहड़ा हैगा 64 करोड़ रुपए का घपला किया गया और सीधे सीधे 39 करोड़ रुपये का अजे तक यह नहीं पता लगे कि कित्थे गया, कित्थों कढ़ाया गया, कित्थे गया। पंजाब सरकार का लॉस आ 39 करोड़ रुपये का गा। सो आम आदमी पार्टी की मंग आ, सारे साडे वलंटियर साहबान खास तौर पर नाभे के सारे इतने बैठे ने, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करता गा कि लंबे अरसे तो लड़ाई लड़ रहे हैं। साडी मंग आ कि इस मंत्री के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फड़के नूं जेल च रखा जाना चाहिए और इस मामले की जी CBI जाँच करे, उस जाँच की निगरानी जी हाई कोर्ट का सिटिंग जज करे। और असं यह भी मंग करते हैं कि जदों की यह वजीफा स्कीम शुरू हुई आ 2012-13 तो शुरू हुई आ, उस तो लैके हुण तक किन्ना घपला होया उसकी जांच होनी चाहिए। कल इस दिन 64 करोड़ की नहीं, जिहड़ा अकाली दल BJP वेले होया गा उसकी भी जांच होनी चाहिए आ। पर लेकिन अफसोस, अज जिस थाना कतवाली के विच, अज जिस पुलिस स्टेशन के अंदर साधु सिंह धर्मसोत नूं होना चाहिए सी, उत्थे अज कौन ने गए, इंसाफ पसंद लोगों अंदर किया गया, जिहड़े इंसाफ मंग रहे हैं कि उन्होंने अंदर किया गया। सो इसका विरोध कर ली साडी पूरी टीम एकजुट आ गा। इस जगह दे विच कीनूं बंद होना चाहिए सीगा, साधु सिंह धर्मसोत नूं, जिसने पंजाब के दलित बच्चों का, जिसने पंजाब के गरीब लोगों का पैसा खाधा गा। यह पैसा गया कित्थे आ, यह पैसा गया गा राजा अमरिंदर सिंह दे घर, राजा अमरिंदर सिंह दे प्राइवेट फार्म हाउस सिस्मा हाउस से गया गा। ता ही राजा अमरिंदर सिंह बार बार बचा रहे हैं कि जेकर एक अडिशनल चीफ सैकटरी की जांच नूं झूठा कर रहे हैं और दूजे पास जांच कौन कर रहा, चीफ सैकटरी का बिल्कुल एक स्टैप अगे हैगा। सो जांच की फर्क है, मैं हैरान है चीफ सैकटरी के उत्ते, मैं हैरान हाँ पंजाब के CM साहब से कि उन्होंने अपने अधिकारी का विश्वास नहीं है, वो अपने अधिकारी का विश्वास छड़ चुके हैं और दूजे अधिकारी को कहना कि क्लीन चिट दो। सो सिर्फ जी जांच हो रही है, यह सिर्फ तो सिर्फ क्लीन चिट देने हो रही है। आम आदमी पार्टी इस तो बाद जो है पंजाब के मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह का घर घेरा, प्राइवेट जो फार्म हाउस आ जिथे रह के वह पंजाब लुट रहा, पंजाब बर्बाद कर रहा, जिथे रह के वह पंजाब में रेत माफिया चला रहा, जिथे रह के वह पंजाब जिहड़ा हैगा शराब माफिया चला रहा है, जिथे बैठ के वह ट्रांसपोर्ट माफिया चला रहा, जिथे बैठ के वह माफिया सरकार चला रहा, उस घर नूं असीं घेरांगे। अज जिहड़ा हैगा साडी समुची लीडरशिप होर भी साडे MLA साहिबान पहुंच रहे हैं, उस तों बाद जिहड़ा अगला प्रोग्राम लीकांगे। अज बंद कर दिता तो आम आदमी पार्टी असी लगातार उदों तक इतने गेट पर बैठे हैं जो तक उन्होंने रिहा नहीं किया जाऊगा, क्योंकि जे वो बेसिकली पूरे जिला पद्धर से आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी। नाभा के जे साड़ी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी तो पंजाब के जोड़े साढ़े स्टूडेंट ने जोड़ा दलित वर्ग आ जोड़े पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 64 करोड़ की अमाउंट आनू रिकवर कराने लिए, क्योंकि गरीबों के नाल धक्का, गरीबों के उत्ते जुलम कितने भी जाके बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। तो अज आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट का 9वां दिन से 9वें दिन अंदर पुलिस प्रशासन के वालों कहा जा रहा है कि सरकार का रवैया टोटल डिक्टेटर वाला है। यह सोचते हैं कि असी लोगों को डंडियां नाल चुप करा लांगे, पर इन्हां नूं यह नहीं पता कि जो लोग खड़े होंगे, लोक लहर खड़ी होंगे तो वड्डे वड्डे थंब जिहड़े ओह डिग जांदे आ। किसी भी कीमत ते जाके गरीब स्टूडेंट्स नाल धक्का, उन्हां दे पैसे हड़पण वाले इस चोर मंत्री नूं जिहड़ा जदों तक सरकार बर्दाश्त नहीं बर्खास्त नहीं कर दिंदी उदों तक असी इस तरीके नाल सड़कां ते